आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हटा हटाइए, आपने माल हटा दीजिए। आप परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग फिर से वैसे ही आपके साथ सपोर्ट में खड़े हैं। और जितने भी यूट्यूबर हैं कानपुर के, उनसे रिक्वेस्ट है एक बार कि आप आकर अंकल का व्लॉग शूट कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि अंकल के जो इमोशनल आंसू हैं वो हंसी के आंसू में बदलने, और हम फिर से आएंगे एक बार मुलाकात करने अंकल के यहाँ पर। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग कानपुर के नए वीडियो में आप लोग का वेलकम। तो गाइस, आ चुके आज हम लोग फिर से, जो स्कूटी वाले सरदार जी थे और जिनकी शॉप का नाम था पंजाबी रसोई, लेकिन अब हो गया है न्यू पंजाबी रसोई। तो पहले हम लोग यहाँ वीडियो शूट कर चुके थे और इधर से काफ़ी बार निकला हो तो ये मिले नहीं है, तो आज इनकी शॉप मुझे फिर से मिली है, इधर से निकल रहे थे। तो चलिए एक बार अंकल जी से बात करते हैं, आखिर शॉप क्यों नहीं लगती है, और दिखाते हैं कुछ न्यू आया होगा इनके पास तो वो भी दिखाएंगे। तो चलिए दिखाते पहले लोकेशन, आपको शॉप कहाँ मिलेगी। पहले वो उस साइड लगती थी लेकिन उसके अपोजिट आ चुकी है अभी शॉप। तो चलिए दिखा देते हैं लोकेशन और उसके बाद चल के अंकल जी से बात करते हैं और देखते हैं आज यहाँ पर हम लोग क्या ट्राई करेंगे। सो गाइस, चलिए देखते हैं शॉप की लोकेशन, जो अंकल जी की स्कूटी वाली शॉप है, और सेटअप वगैरह बहुत अच्छा है इन्होंने बनाया, पूरी स्कूटी पे शॉप लगती है इनकी। तो चलिए दिखाते हैं आपको इनकी न्यू लोकेशन क्या है, और शॉप का पूरा नाम इनकी है न्यू पंजाबी रसोई। तो चलिए दिखाते हैं लोकेशन। तो ये जो रोड आ रही कबाड़ी मार्केट वाले चौराहे से आ रही, गुमटी की तरफ से जो कबाड़ी मार्केट वाले चौराहे, जब उससे आप इधर आ रहे होंगे विजयनगर चौराहा जो सब्जी मंडी वाला है उसके लिए, तो ये ओम चौराहे से जैसे ही आगे चलेंगे रूपानी फैक्ट्री के बाहर थोड़ा बगल में ही आपको शॉप मिलेगी। और इधर है, अगर इधर से आप आ रहे हैं तो विजयनगर सब्जी मंडी वाला जो चौराहा है, उधर से अगर आप जा रहे होंगे कबाड़ी मार्केट वाले चौराहे के लिए, और एसएल पैलेस से जैसे ही थोड़ा आगे चलेंगे तो ये शॉप आपको राइट हैंड में मिलेगी। और ये रूपानी फैक्ट्री बनी हुई है और अपोजिट में सिंधी कॉलोनी बनी हुई है, उसके जहाँ पहले अंकल जी की शॉप लगती थी तो उसके अपोजिट में ये शॉप आ गई। तो अगर पहला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो चलिए गए चलते शॉप पर, बात करते हैं अंकल जी से और देखते क्या क्या है इनकी शॉप पर। सो गाइस, देखिए सेटअप देख सकते हैं आप अंकल जी का, और बॉक्स वगैरह सब इसी स्कूटी पे इनके रखा रहता है और बैनर वगैरह लगे हुए हैं। तो क्या क्या है शॉप पर आप देख लीजिए, छोले चावल है, राजमा चावल, कढ़ी चावल, ठंडा रायता, सब कुछ है। रायता वगैरह हम लोग पहले ट्राई कर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अंकल जी के पास, बात करते हैं। सो गाइस, चलिए आ गए शॉप पर अंकल जी की। तो अंकल जी, नाम क्या है आपका वैसे? जोगिंदर सिंह। और पहले तो मुलाकात हो चुकी है आपसे, तो ऐसा ये क्या हुआ गया था, मैं इधर से काफ़ी बार निकला हूँ लेकिन आपकी शॉप लग नहीं रही थी, तो रीज़न क्या था? मेरा सर यहाँ 17 अगस्त को एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा अच्छा, मतलब रोड क्रॉस करते हुए। तो पहले इसीलिए उधर से इधर आ गए अपोजिट। अब उधर वैसे भी थोड़ा गंदगी हो गई, थोड़ा जगह तो चेंज करी थी, प्लस कस्टमर की भी अब डिमांड आ रही थी कि भैया वीर जी आइए, हम आपका वेट करेंगे। तो वो कस्टमर की डिमांड से मैं दोबारा आया हूँ, उनके प्यार, उनके जो हौसला उन्होंने दिया है उस वजह से आए हैं। और तो कितना टाइम हो गया वैसे? अभी मैंने बस ये दिसंबर, 14 दिसंबर से स्टार्ट फिर से स्टार्ट किया यार। पहले मतलब टोटल वैसे अगर माने तो कितना टाइम हो गया है? 3-4.5 महीने बंद रही है। 3-3.5 महीने बंद रही है जी। तो अवेलेबल क्या क्या है आपकी शॉप पर? राजमा चावल है, छोले चावल है, कढ़ी चावल है, सब कुछ है। हाँ जी, वही 30 का हाफ है, 50 का फुल है। कोई थाली खाता है, थाली में हमारा 4 रोटी है, राजमा, छोले, चावल, अचार, चटनी, प्याज, सलाद, सब। तो 2 सब्जियां हैं? 2 सब्जियां और 4 रोटी चावल है थाली में, 60 रुपये में, 60 पेट भर के खा के जाएं। तो आज क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? आज मैं थाली आपकी ट्राई करूंगा, क्योंकि थाली वगैरह जैसे किसी के लिए भी इनफ होती है कि प्राइस अच्छा हो। रेगुलर कम रेट में रखा है 60। अभी कई ऐसे खा के जाते हैं तो वो 60 में उनका पेट भर जाता है, कहते बस 60 रुपये की थाली है, उनको ये लगा कि 80 रुपये पैसे कटाते हैं, लेकिन नहीं 60। तो चलिए गाइस, आज हम लोग ट्राई करेंगे अंकल की जो 60 रुपये की थाली है, और उसमें 2 सब्जियां, सलाद और राइस मिलेगा, और क्या क्या है अंकल उसमें? 4 रोटी है, 2 सब्जी है। 2 सब्जी। तो चलिए दिखाते पहले अंकल की शॉप पर है क्या क्या। और इनका जो ठंडा वाला रायता है वो भी बहुत फेमस चलता है, वो काफ़ी अच्छा बनाया जाता है बूंदी वगैरह, और अभी ला नहीं रहे हैं मौसम करके। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप लोग आइएगा ट्राई करने। और कुछ न्यू भी आने वाला है आपके पास? हाँ, वो अभी 1 मार्च से स्टार्टिंग है। 1 मार्च से स्टार्ट करने वाले हैं स्वीट्स के, मीठे के साथ। अच्छा, तो वो थाली क्या होगी? वो थाली आपकी वही 90 रुपये की पड़ेगी, उसमें एक रसगुल्ला होगा। हाँ, और आपका एक सब्जी और बढ़ जाएगी, कड़ी बढ़ जाएगी उसमें। अच्छा, 3 सब्जियां, 4 रोटी और राइस। हाँ, मतलब एक सब्जी बढ़ जाएगी और मीठे में बढ़ा दिया जाएगा। 4 रोटी है, 3 सब्जी है, आपका एक मीठा रसगुल्ला हो जाएगा, बाकी अचार, चटनी, प्याज, जो भी सलाद। तो आप भी आइएगा, 1 मार्च से स्टार्ट होने वाली भाई। और चलिए दिखाते पहले शॉप पे है क्या क्या। अभी तो रायता अवेलेबल नहीं है लेकिन आप लोग आइएगा, अंकल की शॉप काफ़ी दिन बंद रही थी तो काफ़ी अच्छा फूड वगैरह मिलता है, आंटी देती हैं घर से मेकिंग करके और अंकल जी आके यहाँ पर सेल करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं शॉप पर है क्या क्या।
갑자기 내게 나타나죠 너. तो गाइस चलिए पहले देखते हैं अंकल जी के शॉप पर है क्या क्या। तो ये देखिए राइस है, और राइस का एक दाना बिल्कुल अलग है, देख लीजिए। ये आपका राजमा, ये राजमा हो गया, और ये घर से आंटी बिल्कुल मेकिंग करके देती हैं अच्छे से, और टेस्ट इसमें होममेड वाला ही आता है बिल्कुल। ये कढ़ी है, और ये देखिए कढ़ी अंकल की, ये देख लीजिए आप। और बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, बॉक्स बंद रखे जाते हैं कि डस्ट वगैरह ना जाए। ये छोले, और ये हो गए छोले, और क्या क्या अंकल है, चटनी प्याज वगैरह, ये हो गई हरी चटनी, मिर्च धनिया वगैरह की है, और हो गया प्याज और हरी मिर्च, और साथ में अचार दिया जाता है। तो चलिए अंकल रेडी करिए आप हमारी थाली, और ये है अचार मिक्स वाला। तो चलिए अपनी प्लेटिंग करवाते हैं भाई, थाली अपनी लगवाते हैं, और इसके बाद खा के आपके साथ टेस्ट शेयर करते हैं। सो गाइस देखिए आ चुकी है अपनी ये प्लेट, और बोले कि एक तरह से थाली है। तो देखिए दो सब्जी लेंगे पहले हम लोग इसमें, तो ये हो गया राजमे, और ये आ गया देखिए छोला। तो भाई छोले की सब्जी वगैरह काफ़ी अच्छी होती है, पहले हम लोगों ने ट्राई किया हुआ है। और ये आ गया प्याज, और ये हो गई हरी वाली चटनी अंकल की, और ये हो गया मिक्स अचार। और ये आ चुकी है अपनी रोटी, और अब बचा है सिर्फ राइस। और राइस जैसे कि मैंने दिखाया पहले भी, हम लोग ने अंकल का राइस ट्राई किया हुआ है, तो राइस के एक दाने बिल्कुल देख लीजिए अलग हैं। तो चलिए भाई थाली कंप्लीट हो चुकी है अपनी, खाते भी आपके साथ टेस्ट शेयर करते हैं। आप परेशान क्यों हो रहे हैं, हटाई हटाई आपने वाला हटा दीजिए। सो गाइस प्लेट जैसे कि थाली मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन अंकल इमोशनल हो गए हैं। तो अंकल ये टाइमिंग जैसा कि मैंने आपसे पूछना भूल गया, तो 12 से 5 है आपकी टाइमिंग, तो आप इमोशनल मत होइए, 3-4 महीने बंद रहा कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से आया हूँ, और लोगों से कहूँगा कि वो आएंगे आपके यहाँ और ज़रूर खा के जाएंगे आपके यहाँ। थैंक यू, आप बिल्कुल मत परेशान होइए, जैसे चलता था आपका बिजनेस उससे अच्छा चलेगा, इस बात का प्रॉमिस है हम लोगों का। थैंक यू, ठीक है, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। तो चलिए आपको आना है और खा के जाना है, जैसे कि क्वांटिटी के हिसाब से आपको प्राइस देना, ये नहीं कि 60 रुपये की थाली है तो आपको 60 रुपीज़ देने, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपने खाना है, अगर आपने 2 रोटी खानी है तो उस हिसाब से हम आपसे पैसा लेंगे, अगर आपने 4 रोटी खानी चावल नहीं खाने तो उस हिसाब से पैसा नहीं, ये नहीं कि हम आपको प्रॉपर थाली आपने बोली आपने चावल नहीं खाए तो हम आपसे 60 रुपये ले लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने 4 रोटी थोड़ी सब्जी जो अपनी राजमा छोले खाने तो 40 रुपीज़। और जगह तो आप परेशान मत होइए, नहीं आपका एक्सीडेंट हो गया था कोई बात नहीं, पैर आपका आप ठीक है। एक तो मैं उनका भी बहुत धन्यवाद दूंगा जो गुरु नानक मेडिकल सेवा ने जिन्होंने मेरा ऑपरेशन फ्री में कराया है। ओके, मेरा एक पैसा नहीं लगा, तो उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप परेशान मत होइए, बहुत जल्दी आप, मतलब ये वीडियो मैं जैसे ही डालूंगा लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको आना है और खा के जाना है, टेस्ट एक बार आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि रिव्यू लिया है तो भैया लंच पहली बार आए इनके यहाँ जब से खाने, तो उन्होंने जैसा बताया है कि वो डेली आते हैं हम इनके यहाँ खाने के लिए, लंच करने यहीं आते हैं, और जो टेस्ट वगैरह मिलता है वो घर का मिलता है, जैसे घर पे आपको स्वाद मिलता है तो वही टेस्ट आपको मिल रहा है। तो एक बार ट्राई करिएगा, ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं, जैसे होना चाहिए फूड वैसे ही मतलब आपको मिलेगा। मैं कस्टमर का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ भैया आपका भी, कृपया आप परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम लोग फिर से वैसे ही आपके साथ सपोर्ट में खड़े हैं। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो यूट्यूबर हैं कानपुर के, अंकल को सपोर्ट करना है, आप आइए शूट करिए अंकल का वीडियो, जैसे कि कुछ लोगों ने शूट किया हुआ है, आप फिर से आइए एक बार शूट करके डाल दीजिए, और अंकल को सपोर्ट करना है। तो चलिए आप अपनी थाली इंजॉय करते हैं हम लोग भी, और आपके साथ टेस्ट शेयर करते हैं, क्योंकि टेस्ट हम लोग पहले भी ले चुके हैं, लेकिन अब क्या बोलूँ अंकल ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, तो कोई बात नहीं अंकल आप परेशान ना होइए, हम लोग फिर से सपोर्ट करेंगे आप, ठीक है, थैंक यू। तो चलिए हम लोग अपनी थाली एंजॉय करते हैं अब। सो गाइस अपनी थाली रेडी होने के बाद मैं अंकल के पास फिर से चला गया था,
अंकल इमोशनल हो गए थे, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, तीन चार महीने शॉप बंद होने की वजह से अंकल काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और ऑपरेशन वगैरह उनका हो गया है, तो वो भी ऐसे हो गया, तो अंकल ने उनको भी थैंक यू बोला है, तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है। और जैसे कि अंकल ने बताया कि अगर 60 रुपये का प्राइस आप जो चीज़ जितना लेंगे जितनी क्वांटिटी उस हिसाब से पैसे आपको देने हैं, और होम मेड बिल्कुल टेस्ट मिलेगा आपको, इस बात की गारंटी है, और भैया से रिव्यू भी लिया है तो उन्होंने भी ये बात बताई है, तो चलिए ट्राई कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने एक रोटी ली है ट्राई करने के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि फूड उतना लिया करें जितना इनफ हो आपके सामने, वेस्ट मत किया करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं जिनको फूड नहीं मिलता है, तो उन्हें भी दे सकते हैं आप लोग। तो पहले राजमे के साथ ट्राई करी है, तो बहुत ही अच्छे हैं इनके राजमे भाई, आप भी ट्राई करेंगे तो आप खुद जान जाएंगे। हर एक बंदा खा सकता है, ना ही ज़्यादा तीखा, और अगर तीखा खाना है तो आप हरी मिर्च ले सकते हैं अंकल, क्या मिलती है, और मसाले बिल्कुल बैलेंस है, और राजमा बिल्कुल अच्छे से बॉयल है, बिल्कुल भी कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं है। आंटी जो खाना बना के देती है काफ़ी अच्छा है। और चलिए छोले के साथ ट्राई कर लेते हैं। मेरे को लगा कि मेरे घर का बंदा बैठा आप भाई है हमारे भाई आप अरे चटनी वगैरह भी काफ़ी अच्छी बनी है। पहले भी आए आज वीडियो शूट करने में मुझे मज़ा नहीं आ रही है, क्योंकि अंकल इमोशनल है तो गंदा फील हो रहा है आज मुझे। और किसी के साथ भी हो ऐसा, अगर होता है तो किसी को भी बैड फील होगा। तो चलिए राइस ट्राई कर लेते हैं। जैसा कि राइस मैंने आपको दिखाया है, राइस में एक भी दाना चिपका हुआ नहीं है, बिल्कुल अलग है। बहुत ही टेस्टी बनाया है, तो आंटी को इस बात के लिए थैंक यू कहना चाहेंगे, और आप लोग से बार बार वो बात बोल रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आना ज़रूर एक बार ट्राई करने। तो चलिए गाइस फिनिश करते हैं अपनी थाली, टेस्ट में कहीं से कोई कमी नहीं है, होममेड फूड है, आइए ट्राई करिए, बार बार कह रहा हूँ। और जैसे कि लंच वगैरह के लिए या 12 बजे आपको अंकल यहाँ पर मिल जाएंगे, शाम को 5 बजे तक रहते हैं, और आप आएंगे कस्टमर जब बढ़ जाएंगे तो अंकल की क्वांटिटी भी बढ़ेगी हर एक चीज़ में। तो इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, आइएगा ज़रूर ट्राई करने, और टेस्ट वगैरह अगर आपको कोई भी कमी लगे तो आप मुझसे बताना, कमेंट करके ज़रूर मेरे साथ शेयर करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सके, इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए फिनिश करते हैं अपनी थाली, सुगा चलिए रिव्यू ले लेते हैं। और जैसे कि अंकल के पास बैठ के खाने की व्यवस्था है और खड़े होकर खाने की व्यवस्था है, तो चलिए भैया से बात करते हैं। तो भैया वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण यादव है भैया। और क्या ट्राई कर रहे हैं आज आप? आज मैं कढ़ी, राजमा, रोटी, चावल, थाली ट्राई करी है आपने? हाँ, उसके साथ में अचार है, प्याज है, हरी मिर्च है, चटनी है, घर जैसा स्वाद है बिल्कुल, क्योंकि आंटी घर से बना के देती है अंकल को। हाँ, तो इसमें टेस्ट कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया, बिल्कुल घर जैसा टेस्ट आता है। जब मैं पहली बार आया था उसके बाद मैं लंच यहीं पे करता हूँ भैया। लंच आप यहीं पे करने आते हैं, तो जो राजमा और कढ़ी वगैरह है टेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छा लगता है आपको? बिल्कुल टेस्ट अच्छा लगता है, जायका अच्छा है और साफ़ सुथरा है, और घर का टेस्ट आता है, बस ऐसा लगता है घर का स्वाद आ रहा हो। तो चटनी वगैरह है टेस्टी? बिल्कुल टेस्टी है और बढ़िया, बिल्कुल सिंपल सोबर खाना है, ना ज़्यादा मसाला ना कुछ। तो लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगे आप? बिल्कुल करना चाहेंगे, आएँ ट्राई कीजिए भैया, बहुत अच्छा खाना है, हमें तो बहुत अच्छा लगा, और खाना अच्छा वाकई में घर की तरह टेस्टी है। तो चलिए आपको रिव्यू देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भैया। सो गाइस चलिए पहले हम लोगों ने ट्राई करने से पहले एक रिव्यू लिया था, और तभी अंकल हमारे इमोशनल हो गए थे, तो चलिए सेकेंड रिव्यू ले लेते हैं। तो आंटी जी क्या नाम है वैसे आपका? मेरा नाम संगीता सिंह यादव है। और क्या ट्राई कर रही हैं आज आप? मैं कढ़ी चावल खा रही हूँ आज। तो कैसा टेस्ट लगता है आपको? मैं पहली बार यहाँ पे खा रही हूँ आज, लेकिन बहुत टेस्टी है। और देखिए पंजाबी खाना टेस्टी होता ही है, मैं खुद भी मतलब मायके से पंजाबी हूँ। अच्छा, शादी यादव में हुई है। हाँ, पर ये है कि खाना पंजाबी बहुत टेस्टी होता है। अच्छा, तो आप कढ़ी चावल ट्राई कर रही हैं, तो कढ़ी वगैरह का टेस्ट कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी है, बिल्कुल जैसे घर जैसा स्वाद है।
आपने ट्राई किया है हाँ जी। तो घर जैसा टेस्ट आया, क्योंकि आंटी ही घर से मेकिंग करके देती हैं अंकल। हाँ, मैं समझ गई हूँ। हाँ, तो टेस्ट वगैरह आपको अच्छा अच्छा, मतलब आपको टेस्ट इतना अच्छा लगा कि आप पूछने वाली थी इनसे कि हाँ, मैं पूछने वाली थी कि कौन बनाता है, आंटी बनाती है कि भाभी बनाती है, कौन बनाता है। कहीं होता है मदर इनकी होंगी, वो बना रही हूँ, ऐसा भी हो सकता है, तो मैं पूछने वाली थी भैया। आप लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर एक बार ट्राई करें। और प्राइस भी बेस्ट है और टेस्ट भी बेस्ट है। प्राइस तो बिल्कुल सही है, इससे कम में आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल है कि नहीं, बहुत टेस्टी है। तो चलिए आप अपना करी चावल एंजॉय करिए और आपको रिव्यू देने के बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो गाइस, फाइनली हम लोगों ने अपनी थाली फिनिश कर ली है और टेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छा है, घर के जैसा स्वाद आपको मिल रहा होगा, ये इस बात की गारंटी है। और रिव्यू वगैरह आपने देखा, मैंने ली है लोगों से, तो सबको घर जैसा टेस्ट आ रहा है, तो आप भी आइए ट्राई करने। और रिव्यू लेते ही वक्त ही अंकल इमोशनल हो गए थे हमारे, तो अंकल आप बिल्कुल मत परेशान होइएगा, हम मतलब जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, एक बार आके आप फूड जरूर ट्राई कर लेना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगर कानपुर में रहते तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐ तो आंटी से अभी रिव्यू लिया था जो कढ़ी चावल ट्राई कर रही थी, तो उन्होंने कहा मैं शेयर जरूर करूँगी, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है इस बात के लिए, तो शेयर जरूर करिएगा। और अंकल हमारे आप परेशान ना होइएगा, हम फिर से वैसे ही आपको वैसे ही फेमस करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले फेमस किया था आपको। और आप 3-4 महीने अगर घर पे बैठे रहे तो उसकी कोई टेंशन ना लीजिए, आपका बिजनेस हम वैसे फिर से स्टार्ट करवाएंगे, ये हम लोग की गारंटी। और जितने भी यूट्यूबर हैं कानपुर के, उनसे रिक्वेस्ट है एक बार कि आप आकर अंकल का व्लॉग शूट कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि अंकल के जो इमोशनल आंसू हैं वो हंसी के आंसू में बदल लें और हम फिर से आएंगे एक बार मुलाकात करने अंकल के यहाँ पर। तो भाई आज वीडियो शूट करने के बाद थोड़ा फील हुआ है मुझे, पहले कभी हम लोग वीडियो शूट करते थे तो ऐसी चीज़ हमारे यहाँ सामने फील नहीं हुई है, लेकिन आज मुझे भी फील हुई है कि किसी का अगर दर्द बांट सकते हो तो बांट सकते हो। तो एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, आना ज़रूर, फूड में अगर कोई कमी नहीं मिलेगी इस बात की गारंटी है। रिव्यू वगैरह आपने देखे कितने अच्छे मिले हैं, तो अंकल आप बिल्कुल बहुत परेशान होइए, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो आएंगे आपके पास और आपका फूड ट्राई करके जाएंगे। बिल्कुल थैंक यू, ओके हम फिर से मुलाकात करेंगे आपसे, एक महीने बाद हम फिर से मिलेंगे। हाँ 12 से 5 है अंकल की शॉप, तो ठीक है। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए हमेशा हम लोग आगे आते रहेंगे, और जो फूड ब्लॉगर उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें ऐसे लोगों को जिनको ज़रूरत है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे फिर कहीं नेक्स्ट ब्लॉग में।